मुंबई की कांदिवली पुलिस ने एक 50 साल की ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो पुणे से स्पेशल मुंबई चोरी के इरादे से आती थी और उपनगर के हाई प्रोफाइल सोसाइटियों के घरों में जबरन घुसकर सोना चोरी करके फरार हो जाती थी। पुलिस ने फिलहाल इस महिला को पुणे से गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि इस महिला के खिलाफ मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 3 से ज्यादा चोरी के मामले दर्ज हैं। फिलहाल कांदिवली पुलिस महिला को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। तेईस जुलाई की सुबह 7:30 बजे कांदिवली शांतिलाल मोदी रोड चांदनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में चोरी हुई है ऐसी तकरार कांदिवली पुलिस स्टेशन में प्राप्त हुई थी। उसमें सीनियर सिटीजन के रहने वाले हैं, पति पत्नी रहते हैं, सीनियर सिटीजन अकेले रहते हैं। उसमें से पति है ये सुबह मंदिर के लिए दर्शन के लिए निकल गए थे, तभी उन्होंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। इन बिटवीन वहां पे एक महिला बाहर से महिला आ जाती है, उम्र लगभग 50 साल की। वो घर में आके कपाट में से सोने चांदी के दागिने चोरी कर देती है। उसमें तहकीकात करने के बाद में हमें पता चला कि एक पुणे में रहने वाली एक महिला है, उम्र 50 साल, जिसके कई सारे वारदात उसने ऐसे ही चोरी की हुई थी। उसको हमने 4 तारीख को EPF पावर एंड टीम ने उनको अरेस्ट किया हुआ है। उनकी तहकीकात में पता लगा कि उनका एक बेटा है जो हैंडीकैप रहता है, पुणे वागोली रोड जहाँ में यहाँ के परिसर से वो बिलोंग करते हैं। तो उनकी तहकीकात में सोना चांदी कहाँ पे बेचा है उसकी छानबीन चालू है। महिला के खिलाफ और भी कोई शिकायत दर्ज है? महिला के खिलाफ इससे पहले वाकोला, शिवाजी रोड और पुणे में सेम मोडस ऑपरेंडी से चोरी करने के केसेस दर्ज है। हमने लगभग 50 के ऊपर CCTV फुटेज खंगालने के बाद में हमें वाकोला पुलिस स्टेशन से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सेम उन्होंने एक महिला को लॉकडाउन के दरमियान अरेस्ट किया हुआ था। ये महिला वाकोला के फुटपाथ पे ही रहने में थी। उसके बाद में अभी उसका मूल जो नेटिव प्लेस है वो पुणे में है, तो हम लोग ने पुणे में बहुत दिनों से वहाँ पे ट्रैप सेट करके लगा हुआ था, तो API पावर एंड टीम ने 4 सितंबर को उसको वहां से अरेस्ट कर दिया है। अभी फिलहाल हमारे 9 तारीख